welcome back to my YouTube channel. So today's topic is books and instruments for the BDS first year. इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा इंडियन ऑथर्स की बुक कौन सी है, और वो सारे बुक्स बहुत अच्छे हैं स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ है. मेनली क्या होता है कि एग्जाम के टाइम पे स्टैंडर्ड बुक्स के भरोसे हम नहीं रह सकते क्योंकि उनका लैंग्वेज बहुत टफ होता है और हमें समझने में प्रॉब्लम होता है. इसलिए इंडियन राइटर्स की भी बुक उतनी अच्छी है जितना स्टैंडर्ड बुक्स का है. इसलिए मैं आपको इंडियन ऑथर्स की भी बुक इसमें सजेस्ट करूंगी क्या क्या अच्छे हैं. और सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट्स की. तो BDS फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज ह्यूमन एनाटॉमी, सेकंड वन इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, थर्ड वन इज बायोकेमिस्ट्री एंड द फोर्थ वन इज डेंटल एनाटॉमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी. डेंटल एनाटॉमी और डेंटल हिस्टोलॉजी की जो एग्जाम्स होते हैं एक साथ होते हैं, लेकिन इनको पढ़ाया अलग अलग जाता है और इसके बुक्स भी अलग अलग है. तो सबसे पहले बात करते तो जनरल एनाटॉमी की बात करते तो जनरल एनाटॉमी की सबसे अच्छी बुक्स होते हैं BD Chaurasia और दूसरा आनंद होता है जो सिर्फ डेंटिस्ट्री के लिए होता है. तो BD Chaurasia में हमें सिर्फ 3 पार्ट पढ़ने होते हैं जिसमें होते हैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4. तो वॉल्यूम 1 तो अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैं उसकी फोटो यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी. और अब बात करते हैं थर्ड वॉल्यूम है हेड एंड नेक. ये बुक आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हैं. इसके बुक्स ये बुक बहुत अच्छे होते हैं. इसमें क्या होता है जो भी डायग्राम्स होते हैं बहुत क्लियरली समझाया जाता है, जिसमें आप ये मैंडिबल का एक डायग्राम देख सकते हो जिसमें बहुत क्लियर वे में बताया गया है और ये काफी अच्छा है. मतलब मैंने इससे पढ़ा है, बुक काफी अच्छा है. इसमें डायग्राम्स बहुत क्लियरली समझा जाता है और एनाटॉमी बिना डायग्राम्स के तो होता ही नहीं है. तो इसलिए मैं इस बुक को तो जरूर कहूंगी कि आप लोग इस बुक को परचेस करना. और फोर्थ वॉल्यूम है ब्रेन न्यूरो एनाटॉमी. ये बुक भी बहुत अच्छा है, आप इससे भी रिफर कर सकते हो. कुछ कुछ क्वेश्चंस इससे होते हैं, मेनली हेड एंड नेक से ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. और इसमें जो बात करते हैं पिक्चर्स की, तो इसमें इस बुक में पिक्चर्स काफी अच्छे से समझाया गया है और इसमें आपको 2 चार्ट भी मिलेगा. ऐसे आपको 2 चार्ट मिलेंगे जिसमें एनाटॉमी के सारे चार्ट्स और नर्व सप्लाई और जो भी चीजें हैं ये चीजें आपको बहुत क्लियरली समझाई गई हैं. इसमें आप इसको भी रेफर कर सकते हो. तो इतना ये था एनाटॉमी की बात. और अब बात करते हैं आनंद की. तो आनंद की बुक भी बहुत एनाटॉमी की बहुत अच्छी है. आप अगर आपको BD Chaurasia समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप आनंद को रिफर कर सकते हैं, वो भी उतना ही अच्छा है जितना BD Chaurasia. और अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की. तो उसके लिए सबसे अच्छी बुक है A K Jain और इसका डेंटल का भी बुक है और नॉर्मल बुक जो MBBS वाले भी यूज करते हैं वो बुक भी है. तो आप दोनों देख सकते हो कौन सा अच्छा है. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है. डेंटल वाले में ये है कि कॉन्साइज किया हुआ है, जो भी सिर्फ डेंटिस्ट्री में टॉपिक जरूरत है सिर्फ वो चीजें ही एक्सप्लेन की गई हैं. तो आप सिर्फ डेंटल वाले बुक भी इनका परचेस कर सकते हो या फिर आप नॉर्मली PDF भी डाउनलोड कर सकते हो. ये चीज आप कर सकते हो फिजियोलॉजी के लिए. और अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की. तो इसके लिए सबसे अच्छी बुक है सत्यनारायण, जिसकी पिक्चर मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं लगा दी होगी, आप देख सकते हो. ये इसका ऑल्टरनेटिव तो मैं कोई बताने वाली नहीं हूँ क्योंकि ये सबसे अच्छा बुक है और मेरे यहाँ तो सबको इसी बुक से पढ़ता था और बहुत ही सिंपल वे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया. तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और ये बुक आप PDF से भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है. और अभी बात करते हैं डेंटल एनाटॉमी और डेंटल हिस्टोलॉजी की. तो डेंटल एनाटॉमी के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो है व्हीलर्स और डेंटल हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है वो है ऑर्बन्स. तो जो ऑर्बन है हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी के लिए ये दोनों चीजें उसमें दी हुई हैं. और एनाटॉमी में जो व्हीलर्स है जिसमें आप टूथ काफ करते हो वो सारे इमेजेस जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं और व्हीलर्स में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. और इसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो इंडियन ऑथर्स का मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप माझी जोश ले सकते हैं. माझी जोश तो 2 है. एक तो जो एटलस है जो डायग्राम्स के लिए सिर्फ है वो तो आपको लेना ही लेना है क्योंकि वो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक वो बुक यूज में आने वाला है. और जो एटलस है वो ये है माझी जोश, आप ये परचेस कर सकते हो. ये मेरे पास पुराना वर्जन है. और अब बात करते हैं लास्ट बुक की जो BDS में काफी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोग थोड़ा बहुत उससे पढ़ते हैं. तो जो मेन बुक है वो है मास्टरिंग. तो मास्टरिंग से तो हर कोई वाकिफ हो गई. मास्टरिंग तो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक हर साल हर बच्चे यूज करते हैं उसको. तो उसमें 2 राइटर्स हैं, एक है ज्योत्सना राव और दूसरा है हेमंत गुप्ता. आप ज्योत्सना राव भी परचेस कर सकते हो या फिर आप हेमंत गुप्ता भी परचेस कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी ज्योत्सना राव फर्स्ट ईयर के लिए बहुत अच्छी बुक है और हेमंत गुप्ता फाइनल ईयर के लिए काफी अच्छा है. तो आप ज्योत्सना राव, अगर आपको मास्टरिंग लेना होगा तो ज्योत्सना राव लेना हेमंत गुप्ता की वजह, क्योंकि हेमंत गुप्ता में क्या होता है, एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया रहता है नंबर ऑफ टाइम्स, और ज्योत्सना राव में क्या होता है कि वो क्वेश्चन रिपीट तो रहेगा पर ज्यादा नहीं होता है, मतलब एक दो बार होगा, लेकिन हेमंत गुप्ता में आपको एक ही क्वेश्चन 3-4 बार ऐसा देखने को मिलता है। तो ये है आपके लिए मास्टरिंग। तो बस इतनी ही बुक्स है BDS फर्स्ट ईयर में, जो भी बुक्स थे मैंने सारे बुक्स को के बारे में आपको बता दिया, जो भी इसके स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा जो भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन थे इंडियन राइटर्स के, मैंने वो भी बता दिया है। और अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की। तो सबसे पहले जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो है कार्वर। तो ये कार्वर तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा फर्स्ट ईयर कार्वर के साथ ही बिताना पड़ेगा। तो अब दूसरा है माइक्रोमोटर। माइक्रोमोटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप डेंचर बनाओगे उसको ट्रिम करने के लिए माइक्रोमोटर लेना होगा, तो आप फर्स्ट ईयर में ही ले लेना। और वैक्स, अब बात करते हैं वैक्स स्पैचुला की। तो वैक्स स्पैचुला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैक्स आप जो रिम बनाओगे उसको शेप देने के लिए वैक्स स्पैचुला का जरूरत है। इन सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स की फोटोज मैं साइड में इंसर्ट कर दूंगी, आप देख लेना। आप उसको परचेज भी कर सकते हैं अमेजोन से, या किसी नॉर्मल डेंटल शॉप पे पास में होगा कॉलेज के, तो वहां से ले। और अब बात करते हैं रबर बाउल की। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आप एटलीस्ट 3-4 रखना है, क्योंकि बहुत बार चोरी हो जाते हैं, कई बार होता है कि एक्सचेंज हो जाता है। और अब बात करते हैं 6th इज कर्व्ड स्पैचुला। तो कर्व्ड स्पैचुला और स्ट्रेट स्पैचुला ये दोनों लेना, क्योंकि कर्व्ड स्पैचुला से आप एल्जिनेट मिक्स करते हो, और लेकिन जो स्ट्रेट स्पैचुला होता है वो आपको नॉर्मल जो POP होता है प्लास्टर पेस्ट, आपको उसको मिक्स करने में यूज आएगा। और अब और इंस्ट्रूमेंट है, उन इंस्ट्रूमेंट में है एक हॉट प्लेट। तो हॉट प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है, जो आपका रिम होता है उसको शेप देने के लिए, जो भी लेंथ होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हॉट प्लेट इंपॉर्टेंट होता है। तो हॉट प्लेट भी आप फर्स्ट डे में ही परचेज कर लेना। और एक स्केल और डिवाइडर, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए बहुत जरूरत होता है, इसका हमेशा जरूरत पड़ता है। और अब बात करते हैं इम्प्रेशन ट्रे की, जो आपको लेना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप उससे ही आप जो भी अपना क्या बोलते हैं प्राइमरी इम्प्रेशन लेते हो, वो सारी चीजें आपको लेना होता है। फर्स्ट ईयर से ये चीजें स्टार्ट हो जाती है। और उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट आपको लेने हैं वो है आर्टिकुलेटर, क्योंकि आप जो भी कास्ट करोगे, माउंटिंग करोगे, आर्टिकुलेटर पे करोगे, तो आर्टिकुलेटर इम्पोर्टेंट है। फिर आप बटरिंग पेपर ले सकते हो और गॉज पीस ले सकते हो। और POP आपको परचेस करना होगा, डेंटल स्ट्रिंग, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, वो तो आपको टीचर्स भी समझाएंगे वहां पे। तो आप ये बगल की कोई भी डेंटल शॉप होगा वहां से परचेस कर सकते हो। ऑनलाइन लेना ये सारी चीजों को प्रिफर मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत चीप मिलता है, तो बेटर है कि आप बगल के शॉप से ले लो। इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो में मैंने बुक्स और इंस्ट्रूमेंट दोनों की बात की है। और जिन्हें अगर ये बुक्स परचेस नहीं करने, उन्हें PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल से भी इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रहा इंस्ट्रूमेंट्स का, तो इंस्ट्रूमेंट्स आप सीनियर से भी ले सकते हैं, अगर वो आप देने के लिए रेडी हो तो मोस्टली दे देते हैं, और नहीं तो आप डेंटल शॉप से लेने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कम प्राइस से मिल जाता है। ऑनलाइन ये थोड़ा कॉस्टली है, तो और दूसरा ऑनलाइन ऑप्शन है। और ये बुक्स आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये दोनों से परचेस कर सकते हैं, सारे बुक्स वहाँ पे अवेलेबल है। और बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।